आइए आपको सीधे ले चलते हैं जोधपुर, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। उस रूप में और धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है। दुनिया के मुल्कों में जहां जहां धर्म के नाम पे राजनीति हुई, वहीं बाद में लोकतंत्र समाप्त हो गया, वोटों का राज खत्म हो गया और तानाशाही का शासन हो गया। हिटलर से लगा के सब जगह देख लीजिए, ये जो भड़का रहे हैं हिंदू के नाम पे, तेलुगु अच्छा लगता है पर देश अगर एक रहा है, अखंड रहा है 75 साल, इसलिए रहा है कि सभी वर्गों को, सभी धर्म के लोगों को, सभी भाषाएं बोलने वाले लोगों को, जातियों को साथ लेके चली कांग्रेस। जान दे दी इंदिरा गांधी ने पर आतंकवाद का मुकाबला किया, खालिस्तान नहीं बनने दिया। सरदार बैन जी जी थे, उन्होंने नेस्तनाबूद कर दिया आतंकवाद को, उनको बम से उड़ा दिया गया। राजीव गांधी सही हो गए। रशिया जैसा मुल्क जो हमारा मित्र था, अमेरिका के मुकाबला का मुल्क था, 16 टुकड़े हो गए उसके। अभी यूक्रेन के साथ में जो लड़ाई चल रही है, देखते होंगे आप न्यूज में, तो यूक्रेन भी रशिया का ही पार्ट था पहले। आप सोचिएगा 135 करोड़ की आबादी का मुल्क हिंदुस्तान जो एक अखंड है। कांग्रेस का डीएनए जो है गांधी जी के वक्त का, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबू कलाम आजाद और भी कई बड़े बड़े नेता थे उस जमाने के, कई शहीद हुए, भगत सिंह जैसे लोग फांसी के फंदे पर चढ़ गए, सुभाष चंद्र बोस ने अलग फौज बना ली अपनी, गांधी का रास्ता हिंसा का अलग था, गोपाल कृष्ण गोखले से लगा के लोकमान्य तिलक वो अलग तरह से संदेश देते थे। तो इतने बड़े मुल्क में ज्ञात अज्ञात कितने लोगों ने, सभी धर्म के लोग थे उस वक्त में, सभी जाति के वर्ग के लोग थे। ये मुल्क आजाद हो गया। ये जो आज आदमी बैठे हुए, इनका कोई संबंध नहीं था उस आजादी की जंग के लिए, बल्कि इनमें कई लोग तो मुखबरी करते थे उनकी, अंग्रेजों की, अंग्रेजों मुखबिर थे कई लोग। ये हकीकत है, रिकॉर्ड में ही बातें हैं। पार्लियामेंट में मैं खुद था, आपके बेरा हुआ था, मैंने खुद ने सुनाया आंखों से, वहां पर कोई जवाब इनके पास नहीं है। आज वो अमृत महोत्सव मना रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम पोस्टर गायब कर दिया। क्या बगैर पंडित जवाहरलाल नेहरू जो 10-12 साल से जेल में बंद रहे, मोतीलाल नेहरू जेल में भी गए, आनंद भवन इलाहाबाद का जहां बैठे गांधी जी ने आंदोलन चलाया आजादी का, वो देश को दे दिया, समर्पित कर दिया आनंद भवन, और अब बताइए। और पहले प्रथम प्रधानमंत्री थे 16 साल तक, जिन्होंने नींव मजबूत करी थी इसकी, उसके ऊपर आज ये 75 साल का सफर तय करते करते आज हम लोग खड़े हैं, आधुनिक भारत थे। बिजली क्या होती है लोग समझते नहीं थे उस वक्त, मेरे आजाद हुआ भारत, राजा महाराजाओं के महलों में टीम टिमारी थी जनरेटर से बिजली, वो बिजली थी, कहाँ स्कूलें थी, कहाँ कॉलेज थे, कहाँ स्वास्थ्य सेवाएं थी, कहाँ सड़कें थी, कुछ नहीं था नीच का। आज क्या नहीं है, आप चांद सितारे की तरफ जा रहे हो, 100 सैटेलाइट छोड़ रहे हो आप, दुनिया पूरी दुनिया के मुल्कों के सैटेलाइट आप छोड़ रहे हो, इसरो से इंस्टीट्यूट से आप 100 सैटेलाइट, आपने देखा होगा 5000 साल पहले छोड़े गए एक साथ में 100 सैटेलाइट जो घूमते हैं आकाश के अंदर, ये मोबाइल फोन और जो चलते हैं आपके उसी से चलते हैं, कहां फोड़ गए हम लोग। और मोदी जी कहेंगे कि देश में 70 साल में कुछ नहीं हुआ, बताइए आप, कुछ नहीं हुआ। आप जाते हो विदेशों के अंदर, आपका मान सम्मान होता है, इसलिए होता है आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हमारे देश में आए हैं, जिस मुल्क में 75 साल के बावजूद भी लोकतंत्र काम रहा है, पाकिस्तान की तरह 2 टुकड़े नहीं हुए वहां पर, पाकिस्तान की तरह सैनिकों का शासन नहीं हुआ हिंदुस्तान के अंदर, इतना बड़ा मुल्क, अनेकता में इतना बड़ा, तब भी यहां पर ये मुल्क लोकतंत्र वोटों के राज को कायम रखा। जिस मुल्क में वोटों का राज कायम होता है उसका मान सम्मान दुनिया करती है, क्योंकि तो सबसे अच्छी पद्धति कोई है वो पद्धति है लोकतंत्र वोटों का राज, जिसमें गरीब से गरीब आदमी को भी महत्व मिलता है।
उनके पैरों में हाथ लगाना पड़ता है, आशीर्वाद मांगना पड़ता है, दुआएं मांगनी पड़ती है। ये लोकतंत्र है, सबसे अच्छी पद्धति दुनिया में कोई है तो ये है। वो हमने कायम रखी है, इतने सम्मान मिलता मोदी जी को। तब अहम घमंड ऐसा भयंकर हो गया है कि मुसलमानों के बगल में चुनाव जीत रहे हैं, जूत क्या मुसलमानों के हमें जीत रहे हैं वास्तव में। यूपी में देखिए एक टिकट नहीं देते वो, अगर एक टिकट नहीं देते 402 टिकटों में से तुम्हें जीत रहे चुनाव, ये कोई शुभ संकेत नहीं देश के लिए। चुनाव जीतना एक बात है, इतिहास बनाना दूसरी बात है। इतिहास में नाम आपका किस रूप में लोग याद करेंगे आने वाली पीढ़ियां, वो तीसरी बात है। आप अमृत महोत्सव मना रहे हो और आज की पीढ़ी को बताना चाहिए, मोदी जी खुद भी पैदा हुए मेरी तरह, आजादी के बाद पैदा हुए, तो बताना चाहिए आज की पीढ़ी को, भाई देखिए हमारे नेताओं ने त्याग बलिदान कुर्बानी की, तब हम आजाद हुए, गुलाम थे, गुलामी में हमारी ये दिक्कतें थी, आजाद भारत में खुली हवा में सांस ले रहे हम लोग। और पिछले साल में सरकारें कोई रही हो, लोकतंत्र सरकार बदलती रहती, आज हमें चांस मिल गया है काम करने का, पर आज जो विरासत में मिली है उनको हम कैसे भूल सकते हैं। अगर आप मोदी जी बोले, अगर मोदी जी कहे, हर प्रधानमंत्री ने, हर शासन ने राज्यों में केंद्र में अपने अपने ढंग से देश को बनाने का काम किया, तो क्या दिक्कत है उनको? क्या वो खाली इवेंट कर रहे हैं, बड़े बड़े इवेंट कर रहे हैं अमृत महोत्सव की, तो आज नई पीढ़ी समझ रही है कि ये जो उपनाम है ये देश के त्याग बलिदान को बता नहीं रहे हमारी पीढ़ी को, ये इतिहास को समाप्त करना चाहते हैं, जो सुनहर इतिहास है, स्वर्णिम अक्षर में लिखा हुआ इतिहास है। तो ये पीढ़ी जो नई पैदा हो रही है, कल शासन ये करेगी देश के अंदर, ये भी क्यों मोदी जी और इनके शासन को इतिहास में दर्ज करवाएगी, क्यों अगली पीढ़ी को बताएगी? तो जो विरासत में हमें गर्व करना चाहिए नई पीढ़ी को, और गर्व करके ही आदमी अपने आप को शासन के लायक बना सकता है कि मैं जिस हिंदुस्तान का नागरिक हूं, आज मैं एमएलए बना, एमपी बना, मुख्यमंत्री बना, प्रधानमंत्री बना, ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है कि मैं देश की सेवा कर रहा हूं। आप किस प्रकार से तोड़ मोड़ रहे हो, कोई मिटा सकता पंडित जी का नाम? जेलों में बंद रहना, उस जमाने की जेलों में 10 से 12 साल तक कोई मामूली बात है? जिस प्रकार ये बैच बनाते हैं, जिस प्रकार ये अम्बेडकर को उनके संविधान बनाया गया है, अम्बेडकर शूट करता था अम्बेडकर नाम लिखने लग गए, कभी ये अम्बेडकर के साथ नहीं रहे। जनसंघ था पहले ये, बाद में बड़ी भारतीय जनता, काम किए हमारे वाजपेयी जी ने भी काम किए। आपको याद होगा 4 अकाल पड़ गए थे उस जमाने के अंदर, मैंने 32 लाख मैट्रिक टन अनाज जिसे बांटा घरों के अंदर, घरों में बोरी रखने की जगह नहीं रही थी, बोरी रखने की जगह नहीं थी, बच्चियों की शादियां कर ली गई लोगों बेच बेच करके उस जमाने के अंदर, वो भी मैंने देखा। एक आदमी भूखा नहीं छोड़ने दिया उस वक्त मैंने, जो वसुंधरा कहती थी अशोक में जाके भीख मांग रहा दिल्ली के अंदर हमारी सरकार से, वाजपेयी जी से गांव की भीख मांग रहा, मैं कह वसुंधरा जी मुझे घर होगा अगर मैं मेरी जनता की भूख मिटाने के लिए भीख मांगू तो मुझे घर होगा। वो कहती थी भूख से मरेंगे, मैं भूख से मरने की बात छोड़ो, मैं भूखा नहीं छोड़ूंगा मैं किसी को भी मेरा। और एक एक कर्मचारी लगा दिया मैंने कर्मचारियों को, ढूंढो लोगों को, कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, संकोच के मारे क्यों नहीं मांग रहा है, पता करो क्यों पहुंचा उसके घर में, यहां तक मैंने तैयारी कर ली। इस प्रकार से उत्तर शासन किया हमने, सरकार चली गई फिर बाद में अलग बात है, मोदी जी आ गए सरकार चली गई, भाई प्राइम मिनिस्टर भी बनेंगे तभी लोग चुनाव जीतेंगे, अलग बात है, चुनाव हार जीत हुई है, होती भी है समझेगा, पर कमी नहीं लगेगी कामों की। इतना मैं कहना चाहूंगा आपको, आज जो जिस प्रकार से अहम गवर्नमेंट में चल रहे हैं, ये वाजपेयी जी थे प्राइम मिनिस्टर, सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष थी, बने हुए 3-4 साल ही उनको हुए थे, 90 में वो बनी थी, 2003 में चुनाव आ गए थे, तो फिर वह प्रार्थना के दौरे बहुत किए थे उन्होंने, नकाल छोके के अंदर आपको याद होगा।
चुनाव के पहले उन्होंने तमाम पोलिटिकल पार्टी से बातचीत करी, समन्वय में बैठाया और इधर वाजपेयी को जो उनके खास थे प्रमोद महाजन, बाद में तो उनके भाई ने उनकी हत्या कर दी, वो हमारे खिलाफ थे, सरकार बनाने में सहयोग था उनका, बीजेपी के राजस्थान में तो घमंड आ गया। राजस्थान में तो हमें उम्मीद थी नहीं जीतेंगे हम लोग, वहां तो सरकार और फिर कांग्रेस की बनी उम्मीद थी, वहां भी अगर जीत गए हैं, छत्तीसगढ़ जीत गए, मध्य प्रदेश जीत गए, तो अगर वहां जीत गए इसका मतलब हमारी हवा चल रही है। और वाजपेयी जी उनकी बातों में आकर के 8 महीने पहले चुनाव करवा दिए पार्लियामेंट के, 8 महीने पहले, और खूब विज्ञापन दिए, जो अभी विज्ञापन आते भी आते हैं केजरीवाल जी के, मोदी जी के छाए रहते हैं, 5-5 करोड़ रूपये खर्च कर रहे हैं लोग, फील गुड, इंडिया शाइनिंग, इंडिया चमक रहा है, देश चमक रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है, ये विज्ञापन पूरे देश में घूम रहे थे, किसी को विश्वास नहीं था देशवासियों को कि सरकार बदल सकती है, सब सोच रहे थे वाजपेयी जी वापस बनेंगे प्राइम मिनिस्टर। और आप देखा, देखते देखते जनता ने पलटा खाया, कानों कान खबरने लगी और सोनिया गांधी के नेतृत्व में सरकार बनने की स्थिति बन गई। सोनिया गांधी ने कहा मुझे नहीं बनना है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बनाएंगे। आज गांधी फैमिली का 32 साल से, जब से राजीव गांधी की हत्या हुई है तब से आज तक 32 साल से कोई भी इनके परिवार का आदमी को तक पे नहीं है, ना प्राइम मिनिस्टर बने, ना केंद्रीय मंत्री बने कोई, ना कोई राज्य में मुख्यमंत्री बने, कुछ नहीं बने, खाली संगठन, क्योंकि हिंदुस्तान में तमाम कार्यकर्ताओं को, भाषा बोलने वाले लोगों को, जातियों को, वर्गों को, सबको लगता भी है परिवार हमारे साथ न्याय करेगा संगठन के अंदर। अब संगठन वो काम संभाल रहे हैं, कोई मोदी जी की तकलीफ होती है, बीजेपी नेताओं के पेट में दर्द होता है, तो भाई आपको दर्द क्यों होता है, आपको इतना डर क्यों लगता है फैमिली से। कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, ईडी पहुंचेगी आपके घरों में, आपको बयान लेगी आपके, 5-5 दिन तक बयान, 50 घंटे बयान राहुल गांधी का, सोनिया गांधी बुलाने 3 बार, बताइए पूरा सब बातें देश देख रहा है, महंगाई इतना ध्यान नहीं इनका, भयंकर महंगाई है, महिलाओं का रसोई चलाना मुश्किल हो गया है, ऐसी महंगाई तो कभी देखी नहीं होगी, ऊपर जीएसटी है, दूध दही छाछ भी लगा दी, जीएसटी लगा दी है, नौकरी दे नहीं रही लोग, हाहाकार मचा हुआ लोगों में, तो आज बहुत भयंकर स्थिति मन के अंदर है। हिंदू की बात नहीं देखता यार, हिंदू की बात है, कब तक आप हिंदू की बात पे राजनीति करोगे। अब धीरे धीरे जो मेरे पास फीडबैक आ रहा है, अब वो ढलान पर आने लग गया, ढलान पर आ रहा है, लोग समझ गए हैं कि लंबा ये राज करने वाले खाली हिंदू हिंदू करके राज करेंगे तो भूखे मरेंगे क्या, हमारे बच्चों को नौकरी कैसे सरकार लगेगी, ऐसी कौन योजना लेके आ रहा है कि प्राइवेट सेक्टर आ जाएगा और नौकरी सबकी लग जाएगी, लोग समझने लग गए। अब आज जो दिल्ली में रैली हुई, सब एमपी ने काले कपड़े पहने और महंगाई और बेरोजगारी की बात करी, और सब ब्लॉकों के अंदर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे गोविंद दत्ताचार्य ने प्रोग्राम दिया, तो पूरे राजस्थान ब्लॉकों में जिला हेडक्वार्टर पे आप अच्छे प्रोग्राम किए, जयपुर में अच्छा प्रोग्राम हुआ, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर जनता ने देखा कांग्रेस सही रास्ते पर फैसला किया और ये हमारे लिए, हमारे जो दर्द है उसको उठा रही है, यही कायदा होता है लोकतंत्र के अंदर। शाम तक घबरा गई सरकार, अमित शाह जी कहने लग गए कि आज का दिन जो है 5 अगस्त अमेरिका की, आज का दिन इसलिए चुना क्योंकि आज राम मंदिर की स्थापना मोदी जी ने पत्थर लगाए की थी, इतने घबरा गए, अब राम मंदिर जुड़ने लगे उसको, मोदी जी बोलने लगे कि काले कपड़े में तो ब्लैक ब्लैक जादू कर रहे हैं लोग, यानी टोना कर रहे हैं, ये स्थिति बन गई उन लोगों की। कहने का मतलब है कि वो समझ गए कि महंगाई का मुद्दा जो है बहुत भयंकर है, रैली 4 तारीख को आपका आह्वान किया गया, मुझे सुनकर सलीम और नरेश जोशी इतनी खुशी हो रही है, जब मुझे ने बताया साहब 400 टिकट तो अपने खर्चे से लोगों ने खरीद लिए हैं, मैं आपको साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, मुझे पहली बार सुन रहा हूँ कि खुद के पैसे से टिकट खरीद लिए है लोगों ने, हमें कई देर ले गए थे,
एक बार व्यवस्था हमने भी करी है ट्रेनों की या बसों की है, पर टिकट खरीद के बैठना गाड़ी के अंदर ट्रेन के अंदर, और चार से लोगों ने बसों के लिए कह दिया आपको, रवि सोनम जी ने, बद्रीराम जाकर जी ने, कोई कमी नहीं आएगी। आप जो जाना चाहते हो बसें ले जाओ, अपने खुद की कोई गाड़ी जाए तो उसमें जाओ, पर आपको अधिकारी लोग आने चाहिए इस बार, क्योंकि जो राजनीति चल रही कांग्रेस के अंदर भी लोगों लगती है कांग्रेस बहुत कमजोर हो गई है। बड़े बड़े हमारे बड़े बड़े जो नेता है बड़े बड़े, उनको ही लगती है कांग्रेस बहुत कमजोर हो गई है। साहित्यकारों को भी, केवल पत्रकारों को भी, केवल लेखकों को भी, और लगता भी है कि दिल्ली में जो माहौल देखते हैं। आज मैं कह सकता हूं आपको, यदि आप लोग बैठे हो, कांग्रेस पूरे देश के अंदर एकमात्र पार्टी आज भी है, बीजेपी नहीं है। बीजेपी नॉर्थ इंडिया में खाली है आपको, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी, इधर है, नॉर्थ में है। साउथ में इसको कोई नहीं पूछता है, इनको अंदर घुसने दे ही नहीं रहे वो लोग। खाली बार बार कर्नाटक में एक घुसे एक बार, वो अभी पैसा खर्च करके जगह बना ली, वरना ये कहीं नहीं घुस पाए, ना केरल में, ना आंध्र प्रदेश में, थोड़े बहुत तेलंगाना में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, ना तमिलनाडु में, कहीं नहीं घुस पा रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में ये जिस प्रकार राजनीति तिकड़मबाजी कर रहे हैं, वहां पे सरकारें तो जो सगा बनती केंद्र में उनकी सगा वहां बन जाती, मैं 40 साल देख रहा हूं। कहने का मतलब यह है, आज भी राष्ट्रीय पार्टी कोई है देश में तो वो कांग्रेस पार्टी है। आप घर में मजबूत रहोगे, मान सम्मान रहेगा। ये जितने गए ना पार्टी छोड़ छोड़ के, कोई वहां यूपी मंत्री बन गए हैं, कोई केंद्र मंत्री बन गए हैं, कोई बीजेपी ज्वाइन कर ली है, ये इनकी अंतरात्मा कैसे गवाह देती होगी। आप यहाँ कांग्रेस में केंद्रीय मंत्री भी थे, बड़े बड़े पदों पर रहे हो, कैसे आप घर छोड़ के जा सकते हो? जब हमारी लड़ाई को दुश्मन नहीं थोड़ी है मोदी जी, हमारी कोई हमारी दुश्मन किसी से नहीं है, ना आरएसएस से, ना बीजेपी के से। हमारी लड़ाई है प्योरली विचारधारा की लड़ाई है। विचारधारा हमारी क्या है? वही है जो संविधान में क्या लिखा हुआ है, और संविधान से देश चलता है। कानून का राज होगा तो देश चलेगा, सब सुरक्षित रहेंगे। कानून का राज नहीं होता वहां गुंडागिरी होती है, डकैती होती है, मारपीट होती है, सब कुछ होता है, और कुछ सुनने वाला नहीं होता पुलिस के अंदर, तो राज कहां कानून का? तो मेरा मतलब कहने का ये कि ये स्थिति रखो, हालात देश के दुनिया के आपको मालूम होने चाहिए। हालात वैसे बन गए हैं कि लोगों में भी डिवाइड हो गया, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। आप मजबूत रहो, हम अपने बात विकास ही कर रहे हैं। अभी जो काम हमने किया, बजट पेश किया मैंने, वो सब मैंने अनुभव लिया जोधपुर जिले के, जहां पर गांव हो चाहे कस्बे हो चाहे शहर हो, जहां मैंने राजनीति की है एमपी बनने के पहले भी, एमपी बनने के बाद में भी, अकाल में, सूखे में, बरसात में, कच्ची बस्तियों में जाना, गरीबों के घर जाना, मैंने सब कुछ किया। मैंने वो मेरा अनुभव काम आ रहा है पूरे राजस्थान के अंदर शासन करने के अंदर। इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, जो आज मैं सीन देख रहा हूं ऐसे सीन में मेरे वक्त देखता था, उससे मजबूत देखता हूं आज तो मैं। 400 नोट टिकट खरीदिए, इसका मतलब आप लोग दर्द जानते हो गरीब का, कि महंगे की मार कितनी भयंकर है, किस प्रकार बेरोजगारी है। ये लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए। अगर आप जन की भावना उनके नल पे हाथ रखोगे तो राजनीति कर पाओगे। अगर आप आज केंद्रीय योजना की बात की गई है, 38,000 या 38 लाख लोग हैं, क्या बताए वो जो अभी तक नहीं जुड़े हैं जोधपुर में, 44,000 अभी तक भी जुड़े हैं मान लो चिरंजीवी योजना से। कौन लोग है वो? वो लोग वही है जो कोरोना के अंदर मैंने क्या किया, 40,000 के इंजेक्शन फ्री दिए लगाए, 10,000 के फ्री लगाए, पूरा इलाज फ्री कर रहते हैं, ऑक्सीजन कमी नहीं आने दी मैंने, दवाएं के लिए मैंने चाहे चार्टर प्लेन भेजा हो दिल्ली बॉम्बे में भेजा मैंने, तो भाई एक दिन ढीले नहीं होना चाहिए। बरसात में मैं कहना चाहूंगा,
कि अगर 44,000 लोग रहे हैं ये कोरोना के अंदर, मैंने क्या किया, जो लोग प्लेटफॉर्म में सो जाते हैं रात को, सड़कों में सो जाते हैं, ऐसे कई लोग हैं गरीब, जहां लॉकडाउन हो गए सब बंद हो गए घरों में, तो जो थैले वाले खड़े होते हैं घंटाघर में या कहीं पे भी, उनके थैले वाले तो बंद, थैले बंद हो गए क्योंकि सब लॉकडाउन में घर में बंद है, उनकी कमाई बंद हो गई। तो मैंने उन लोगों को ढूंढ ढूंढ करके 35 लाख लोगों को मैंने 5 बार में 1,000 रुपये भेजा उनके घरों में, 1 बार 1,500 रुपये भेजा उनके, तो भाई वो तकलीफें नहीं रहना चाहिए। उसी प्रकार से आप अगर केंद्रीय योजना में 44,000 लोग रह रहे हैं आपके गांव में, ढाणी में या शहरों में, ब्लॉक में, वार्ड में, हमारे पार्षद बैठे हैं, अगर ये आप जाके ढूंढ ढूंढ के उनके कार्ड बनवा दोगे तो वो आपको कभी भूल नहीं सकते। भाई देखो उसे कार्ड इन्होंने बनाया मेरा, ये तो है। गांधी जी ने कहा था राजनीति का मतलब ये समाज सेवा है, आधार राजनीति का समाज सेवा होना चाहिए। अगर समाज सेवा करोगे आपके काम पड़ेगा तो वो लोग आपको इसलिए सपोर्ट करेगा भाई मेरे सुख दुख में काम ये आया था। हित राजनीति और राजनीति क्या है, बिना समाज सेवा के कोई राजनीति नहीं है, और इसके लिए जरूरी है हम संवेदनशीलता के साथ में अपने जीवन बिताएं, हम किस प्रकार से गरीब की, मोहल्ले वाले की कोई सेवा करने का मौका मुझे छोड़े नहीं मौके को। महंगाई की आवाज उठाओगे, अब मैं धरना देके बैठता तो सुरस्ती गेट में बैठने वाले 50-60 लोग होते थे खाली, मान लो 100 लोग होते होंगे, पर जो निकलते थे पास से साइकिल पे मोटरसाइकिल पे वो रुक जाते थे, साइड के अंदर भी क्या हो रहा है, बोर्ड लगे होते थे मान लो, रजिस्टर पड़ा रहता था, वो साइन कर दिया था, मतलब वो सपोर्ट में आ गया। ये आपसे जुड़ गया वो आदमी जितने साइन किया आके टेंट में बैठा है, या कार निकली तो दूर से देखा कि काय के लिए बैठा, मैंने एक रात धरना है मान लो, तो उसकी भावना वही है, तो वो जुड़ गया आपसे। कांग्रेस में जब तक आप लोग जोड़ोगे नहीं तो आप कांग्रेस कमजोर होगी, जोड़ना जब जुड़ेंगे तब आप उनकी सेवा का काम करोगे। अभी आप मान लो 44,000 लोगों को आप लोग घर घर जाके उनको फॉर्म भरवा देते हो, कार्ड बनवा देते हो, ये सेवा की सेवा हो गई, वो लोग जुड़ गए आपसे, वो आपके घर काम आएंगे। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, इस प्रकार से आपको राजनीति करनी पड़ेगी तब जाके आप, बाकी तो अग्नि भी ला रहे हैं आप, तो अग्नि भी ला रहे हैं 18 साल में ज्वाइन करेगा वो नौकरी, हथियार चलाना सीखेगा और 4 साल 22 साल होगा तब वो रिटायर हो गया, आप लोग क्या करेगा बाहर रिटायर होने के बाद में क्या करेगा, खतरनाक खेल खेल रहे लोग, 25 करोड़ लोगों को नौकरी लगाएंगे, बाकी तो तुम अपने तकदीर पे हो। ये ऐसी सी स्कीम लेके आए कि जितना बोलो इनके खिलाफ उतना कम है, महंगाई की बात ये नहीं करेंगे, बेरोजगारी कैसे खत्म होगी उसी बात नहीं करेंगे, पर आज बताइए हमारी सरकार ने तय किया कि हम बढ़िया इसके हम चाहेंगे कि कैसे हम ऐसे वक्त में कैसे व्यक्ति की सेविंग हो वो इसके में लागू करें, जिससे कि बचत कर सके वो आदमी खाने पीने के लिए और कामों के लिए। बेरोजगारी में नौकरी लग नहीं रही है आदमी, महंगाई का अलग जमाना है, तो उधार लेने के कब तक वो घर घर चलाएगा अपना। तो हमारी जो पॉलिसी ये है सोशल सिक्योरिटी की है, जिसको मैं आज नाम देते मोदी जी ने रेवड़ी, रेवड़ी कल्चर, रेवड़ी तो अपन मेरी खाते थे, वो खाते थे रेवड़ी होती थी मेरी खाते, वो रहती रेवड़ी, वो तिल की रेवड़ी, मैंने तो वही सुना रेवड़ी वाली बात, ये रेवड़ी पता नहीं कहां से पकड़ के ले आए, रेवड़ी 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 करने लग गए, सुप्रीम कोर्ट केस चलने लग गया, रेवड़ी पे सुप्रीम कोर्ट बहस कर रहा है, रेवड़ी बटे नहीं बटे बताइए आप। कहने का मतलब यह है कि ये कोई रेवड़िया नहीं है, ये अधिकार है आदमी का। मोदी जी दुनिया भर में घूमते हैं, उनको नहीं मालूम है अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, इटली सब जगह नहीं है सोशल सिक्योरिटी, 20 दिन पहले मिलता है हर इंसान को, तकलीफ को नहीं देना चाहिए, भूखा को नहीं देना चाहिए, दुनिया भर में मिलता है पैसा,
कोई तरीके बनने होते हैं, कोई डीबीटी करता है, कोई स्कीम लाता है। अगर राज्य सरकार स्कीम लाती है तो ऐसा नहीं लाती कि बिना सूचना में ले आए, बाकायदा हम तो कर्ज नहीं ले सकते हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे, आज सब देश के अंदर सरकारें चलती कर्जे में चलती है, भारत सरकार खुद भी कर्जे में चल रही है, पर कर्जे लेने के फॉर्मूले हैं। बिना केंद्र सरकार की परमिशन के राजस्थान सरकार 1000 रुपये कर्जा नहीं ले सकती है, और परमिशन तब मिलती है तब जो आपका एक्ट बना हुआ है उसके अंतर्गत आप उसमें सीमित हो नहीं हो, आपकी स्थिति वो हैक नहीं है चुकाने वाली, तब कर देता। तो ये जो बहस नई नई छेड़ देते हैं मुझे लोगों को ध्यान बढ़ जाता है। तो मैं कहना चाहूंगा कि हमने बहुत अच्छे प्रयास किए हैं, ग्रामीण ओलंपिक शुरू किया है, गाँव में लोग बैठे हुए हैं, पहली बार देखता हूँ खेल रहे हैं गांव के लोग, बूढ़े भी खेल रहे हैं, जवान भी खेल रहे हैं, छात्र भी खेल रहे हैं, कबड्डी 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 देख रहा हूँ, खो खो खेल रही हमारी छोटी छोटी बच्ची है, खो खो खेल रही है, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। ये माहौल रास्ता बन बना 30 लाख लोगों ने रजिस्ट्री करवाया खेलने के लिए, 30 लाख लोग, और 2 लाख 30 लाख में 10 लाख महिलाएं हैं, और 2,25,000 टीमें बनी है खेलने वाले, 2,25,000 टीमें बनी है छोटिया। कल मैं कह रहा पाल में महेंद्र विश्व के क्षेत्र में क्या बच्चों में उत्साह था, देखते बनता था। तो हम चाहते हैं कि राजस्थान भी आगे रहे स्पोर्ट्स के अंदर भी, ओलंपिक खेल होते हैं देखते हैं कि कोरिया, जर्मनी, जापान, छोटे छोटे कंट्री है, अमेरिका, इंग्लैंड या चाइना, इतने मेडल ले जाते हैं कि हम तो ही मेडल नहीं बदल पाते, नॉट ए सिंगल, एक भी नहीं आता मेडल, गोल्ड मेडल हमारे। तो अब भी देश में माहौल बनाना चाहिए, हम राजस्थान की बात कर सकते हैं, खेलों में हमने करोड़ों रुपए दे दिए अवार्ड के अंदर, नौकरी लगा रहे हैं DYSP तक की अवार्ड विनर्स को, उसमें हमने कोशिश करी है। शहरों में रोजगार, देश में राजस्थान राज्य जहां पर नरेगा की तरह शहरों में भी गरीब मजदूरों को रोजगार मिलने की हमने तय किया है। बजट घोषणा मेरी थी 9 सितंबर से हम लोग 1.5 लाख लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा दिया है लगने के लिए, तो मैं चाहूंगा कि वो काम बहुत अच्छा हो रहा है। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी शुरू कर रहे हैं केरला से, पूरे देश भर में क्रॉस करेंगे, कश्मीर से कन्याकुमारी वाली बात है, दिन दिन रास्ते में लोग मिलते जाएंगे। मैं समझता हूँ महंगाई और बेरोजगारी और देश में जो माहौल बना गया है, मैंने प्रधानमंत्री जी बार बार रिक्वेस्ट करी, एक अपील आप कर दीजिए देशवासियों के नाम पे कि मैं चाहूंगा देश में शांति, भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत, सद्भाव ना रहे, और हिंसा को मैं किसी कीमत बर्दाश्त नहीं करूंगा, इतना ही बोलना उनको। अभी तक नहीं बोल पा रहे, क्यों नहीं बोल रहे? वो एक बार बोले थे, वो सरकार जब बनी थी 14 के अंदर एक बार बोले थे, लिखी हो गई थी अंदर के अंदर, तब पहलू खा गई थी किसी की थी, तब बोले थे वो, तो लोगों ने वेलकम किया। तो भाई प्रधानमंत्री ने कहा यह असामयिक तत्व है, एंटी सोशल एलिमेंट, पता नहीं बाद में क्या दबाव पड़ा हुआ उनके ऊपर, अब उनकी बोलती बंद हो गई है, बोल ही नहीं रहे वो। हम मांग कर रहे हैं उनसे, बोलो आप प्राइम मिनिस्टर देश के, आपके पास का वजन है, आप अगर ताली भर गई थी तो आप अपील तो करो कम से कम, क्यों नहीं करें प्राइम मिनिस्टर अपील? तो वो अपील नहीं करते, नीचे वाले वो वैसे बिहेव करते। फिर जोधपुर जगह ना, जोधपुर दंगे भड़का दिए, यहां जलोई गेट पर कोई कारण नहीं था, करौली में हो गया, 1 घंटे का दंगा हुआ मामूली सा, नुकसान दुकानें ज्यादा कर दी, 1 घंटे में सब कुछ हो गया। 20 दिन तक पूरे देश का मीडिया बोलता रहा करोली करोली करोली, ये मीडिया वाले खुद ही जो ये खड़े थे मेरे सामने, फिर चलती बोली कुछ नहीं है, ये तो मीडिया वाले लेते रहे बेचारे मेहनत करते हैं, पर इनके मालिक लोग जो है इनको टाइट रखते हैं, तो ज्यादा दिखाते नहीं है, दिखा नहीं सकते, ये स्थिति है। तो 20 दिन चलाते रहे जोधपुर दंगे, और अरे भाई ये कैजुअलिटी नहीं हुई, नुकसान हुआ हम भरपाई कर रहे हैं, और ये दंगे नहीं होने चाहिए थे, कोई कौन पे जी होगी। तो कहने मतलब ये तमाम बातें जो है
आपको लंपी की बीमारी आई हुई गांव में, अभी उसके लिए मैं अपील करूंगा आप सबसे कि हमने मांग की भारत सरकार से कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करो, क्योंकि तभी जाके अभी ना तो ये टीका है ना दवाइयां हैं और गायें बेचारी तरह तरह के मर रही है, बहुत बुरी हालत में मरती है, ऐसी बीमारी हुई है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा इस बीमारी के लिए हम तो जो दवाई का प्रबंधन कर रहे हैं, वैक्सीन की है नहीं, बकरियों में वैक्सीन लगा रहे हैं इनको, अब कहते हैं भारत सरकार एक महीने में तैयार हो जाएगी, देखते हैं क्या होता है। पर साथ में आयुर्वेद और होम्योपैथी हमारे साथी लोग कह रहे हैं कि उनसे बहुत अच्छा इलाज उनका हो रहा है, जो रिपोर्ट आ रही है। हमने दोनों विभागों को कहा कि आप जाके गांव गांव में पता करो होम्योपैथी या आयुर्वेद में क्या आप कर सकते हो, उनको गाइड करना चाहिए, मेरा मानना ही है। बाकी तो जो हालात है देश के उसको तो मैं क्या बताऊं, 4 तारीख को रैली जो है मैं भी आपसे अपील करूंगा कि आप कोई कमी मत रखना, हर संभव इस बार रैली में आए, ये रैली पब्लिक इंटरेस्ट की रैली है, दवा पड़ी है केंद्र सरकार पर, तब जाके वो कदम उठाएंगे महंगाई कम होने के भी और बेरोजगारी के भी। दवा लोकतंत्र में डालना बहुत आवश्यक होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो आप 4 बजे बैठे हो, आप लोग बैठे हो और मेरा आना वास्तव में 150 मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंस करी है, 500 वीडियो कॉन्फ्रेंस हमारे यहाँ सिस्टम है ना, जयपुर में हर गांव जुड़ जाता है, उससे हर गांव जुड़ जाता है, वहां लोग बैठते भी पढ़ते हूँ। 4-5 दिन पहले महिलाओं का प्रोग्राम था, 6,000 महिलाएं जयपुर बैठी थी, पर हर जगह पर 500 महिलाएं बैठी हुई थी, वो दिख रही थी टीवी के अंदर। ऐसे इक्विपमेंट लग गए कि आप पूरी मीटिंग कर सकते हो, सारे अधिकारी मंत्री लोग सब लोग बात करते थे, आपने लगता है आपने बात कर रहे हैं, मिलकर बात कर रहे हैं ऐसा लगता है। 500 मीटिंग मैंने करी कोरोना के वक्त में, फिर कोरोना मेरे 2 बार हो गया, फिर मेरे हार्ट का प्रॉब्लम हो गया और मैं बच गया। तो कहना मतलब इसलिए मैं आ नहीं पाया, पहले मैं आता ही था। पिछली बार भी ऐसे हुआ, मैं 1 साल तक रहा वहां पर गुजरात के अंदर, दीपावली में वहीं रहा क्योंकि चुनाव में आप जानते हो कि मोदी जी का और अमित शाह का राज्य है, तो पूरी कोशिश कर हम अपनी कोशिश करते हैं और उन्होंने फाउल खेल लिया, 10-12 सीट कम रहेगी वरना सरकार बदल देते हैं। मुझ में राहुल गांधी ने खूब मेहनत करी वहां पे और आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, मेरे गुजरात के कैंपेन को आप सबने अप्रिशिएट किया, तो मुझे याद है उस वक्त। इसलिए मैं कहना चाहूंगा आप लोग राजनीति में कार्यकर्ता हैं, उचित ढंग से आप समाज सेवा का ध्यान रखें और दोनों अध्यक्ष आपके नए बने हैं, अंतरा साहब ने बहुत लंबी इनिंग खेली है, पहले जुगल काबरा जी ने लंबी इनिंग खेली, फिर इन्होंने लंबी इनिंग खेली, दोनों ने इतिहास बना दिया जोधपुर के अंदर। और मैं समझता हूं कि अब जो दोनों नौजवान आए हैं ये आप सबको साथ लेके चलेंगे और बूथ वाइज कमेटी बने हमारी, अब बीजेपी तो 15 दिनों में बातें कर रही है, वो राजनीति करने खेल करने के लिए कहती रहती है, हम बूथ कमेटी बनाए बकायदा, लोकतंत्र में चुनावी राजनीति होती है उस पर पूरी भागीदारी निभाए और जब कभी आपको बुलाते हैं आप आते ही हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि और हम मजबूती के साथ उभर के आएंगे और अच्छे दिन आएंगे। मोदी वाले अच्छे दिन तो आए नहीं है, मोदी जी का अच्छे दिन आएंगे, उन्होंने कहा काला धन लेके आऊंगा, काला धन अभी तो ले आया नहीं, अब उसको भूल गए क्या, नहीं भूल गए, महंगाई खत्म कर दूंगा, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते ही गए कम करने के ज्यादा बढ़ गए हैं, गैस के दाम बढ़ गए हैं, कहां उन्होंने जो 14 का भाषण सुन लो उनका, अगर मोदी जी का 14 का भाषण सुन लो आप लोग तो हमें कैंपेन के लिए जरूरत नहीं पड़े, लोग समझ जाएंगे भाई कि रात दिन का फर्क है, तो जो बातें कही उस पर बोल बोल के पूरे हिंदुस्तान में कैंपेन किया उन्होंने, जो बातें बोली इससे बातें भूल गए वो। इसलिए मैं आपको अपील करना चाहूंगा कांग्रेस मजबूत संगठन है, आप मजबूती के साथ में इनके साथ खड़े, मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है और आप सही रास्ते पे हो, सत्य के साथ हो। सत्ता में नहीं है कोई बात नहीं, सत्ता में कब आएंगे नहीं आएंगे अलग बात है, आते रहेंगे आएंगे,
देश समझ जाएगा और आप लोग मजबूत रहो। रास्ता सच्चाई का यही है, रास्ता संविधान वाला यही है जिसे देश चलता है। उम्मीद करता हूँ आपको कमी नहीं रखेंगे। ये बात करता हूँ मैं, विजय राव एक एडवोकेट है, मुझे बताया गया कि जलियांवाला बाग गए थे, वहां पर गए थे वो, यानी बैठे हुए तो ऊपर आए एक बार, तो मुझे खुशी है कि ये जज्बा है। पैदल गए थे वहां, पैदल पदयात्रा करी थी उन्होंने। ये है देखिए आप, विजय राव नाम इनका, ये है एडवोकेट है, ये युवा शक्ति नाम है, युवा शक्ति संगठन है, और ये भगत सिंह और इन्होंने उधम सिंह की मूर्ति लगाई हुई, फोटो लगाई हुई है कि पदयात्रा गए, एक मुट्ठी जलियांवाला बाग पैदल यात्रा भारत से पाकिस्तान, ठीक है, गेट ऑफ इंडिया बैठे जलियांवाला बाग अमृतसर तक बोला नहीं सर। ये देखिए एक्चुअली 2019 में जलियांवाला बाग की मिट्टी जोधपुर में थी और कुछ चूक रह गई थी, आज जलियांवाला बाग की मिट्टी सर को इसलिए दी जा रही है, इसका वास्तविक सम्मान हो। ये जो जलियांवाला बाग की मिट्टी, मैं आपको एक छोटी सी सर से परमिशन लेके वही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब देश गुलाम था 2019 में पत्रकारों ने सभा बुलाई थी और उस सभा के अंदर आम हिंदुस्तानी शामिल हुआ था, अंग्रेजों के काले कानून के खिलाफ जब उन्हें बोलने से अपनी आवाज रखने से रोका जा रहा था, उस समय जलियांवाला बाग में एक दरवाजा था, उस दरवाजे में हिंदू मुसलमान और ना ऊंच नीच थी ना नीच थी, सभी लोग उस जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे और अंग्रेज हुक्मरान ने एक आदेश पर कतरेआम मां गोलियां चलवा दी और वो जलियांवाला बाग की मिट्टी हमारे हिंदुस्तान के शहीदों के खून से सन गई थी। और दो बच्चे थे जलियांवाला बाग में, एक थे शहीद उत्तम सिंह, एक शहीद भगत सिंह, दोनों ने उस मिट्टी का उठाया और उस मिट्टी से वादा किया कि हम देश के लिए कुछ करेंगे और करके दिखाएंगे। सरदार उत्तम सिंह ने कसम खाई और जनरल डायर को मारकर अपनी कसम पूरी की उस मिट्टी के लिए, और भगत सिंह ने देश के लिए जान देकर इस मिट्टी से किया हुआ वादा पूरा किया। आज हम आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे थे, केंद्र सरकार ने कहा कि हर घर तिरंगा होना चाहिए, तब हमने एक प्रण किया कि तिरंगा तो तब होगा जब उसके नीचे एक शहीद की तस्वीर होगी। तब हमने जोधपुर से एक आह्वान किया था, गेट ऑफ इंडिया गए, गेट ऑफ इंडिया से हम पैदल रवाना हुए जहां से अंग्रेज गए थे, गेट ऑफ इंडिया से हम 23 फरवरी को सरदार अजीत सिंह की जयंती से हम रवाना हुए और पहला चरण 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की शहादत के दिन हम जोधपुर में आए थे 1000 किलोमीटर। उसके बाद में हम 23 फरवरी को चंद्रशेखर आजाद की जयंती से जोधपुर से भगत सिंह मूर्ति स्थल से रवाना हुए और 15 अगस्त को जलियांवाला बाग हम पहुंचे। 1800 किलोमीटर की दूरी हमने 29,70,000 कदमों से तय की और ये मिट्टी सर को इसलिए दे रहे हैं कि हिंदुस्तान में एक ऐसा शख्स है जो जोधपुर की एक मुट्ठी बाजरे से कभी मिट्टी में मिलने से नहीं डरता, वो कार्यकर्ता है, वो आवाज है हिंदुस्तान के विपक्ष की, वो आवाज दे रहा है, इसलिए यह मिट्टी सर को देने का मेन औचित्य यही है। इंकलाब जिंदाबाद। हमें एक और छोटी बच्ची दिया पारीक को मंच पर बुलाना चाहता हूं, जो अपनी छोटी सी पॉकेट मनी की बचत की उसने, वो गुल्लक लंपी नामक जो रोग, आप सभी लोग अपने स्थान पर ही बैठे रहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करेगी छोटी सी बच्ची दिया पारीक। आप सभी के डिनर की व्यवस्था की गई है और